हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेमास क्रिएटिव आइडियाज़। तो आज की डीआईवाई में हम बताने वाले हैं, ये फर्स्ट डीआईवाई है, तो इसमें हम बनाने वाले एक छोटा से ये जो प्लाईवुड का टुकड़ा था बचा हुआ था उसी से मैं बनाने वाली हूँ कुछ ऐसा फ्रेम, छोटा मिनी फ्रेम जो आप डेकोर करके रख सकते हैं घर। तो यहाँ मैंने लिया है मोल्डेड क्ले, तो इस मोल्डेड क्ले से मैं कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ मैं मोल्डेड क्ले के लिए मैंने थोड़ा पाउडर यूज़ किया है और इस तरह से मैं स्टिक को बना के इस प्लाईवुड के ऊपर मैं चिपकाने वाली हूँ। तो ये प्लाईवुड मैं दोनों साइड से मैं चिपका रही हूँ और इस तरह से प्लाईवुड जो घर में पड़े रहते हैं इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से प्लाईवुड के टुकड़े मेरे पास बहुत पड़े हैं, तो मैं आगे और वीडियोज़ में बनाने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। तो आप देखिए इस फालतू टुकड़े से मैं कैसे बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने क्ले को दोनों साइड से चिपकाया है, तो आप इसमें कोई भी आप पैटर्न बना सकते हैं। तो मैं ये प्लाईवुड के ऊपर कुछ बनाने वाली हूँ, तो आप ये इस तरह की प्लाईवुड के टुकड़े से आप बहुत कुछ बना के आप घर को डेकोर कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियोज़ को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं है तो मेरे चैनल में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। तो इस तरह से मैंने क्ले से इस छोटे छोटे हार्ट्स बनाया है, तो इस तरह से आप हार्ट को बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे हार्ट्स बनाए, तो इस हार्ट्स को मैं एक प्लाईवुड के ऊपर ही मैं चिपकाने वाली हूँ। तो देखिए, तो अगर आप इस तरह की वीडियो अगर मेरे और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। इस तरह की मैंने वेस्ट मटेरियल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया है और इस तरह से मैंने हर हार्ट को मैं यह चिपका रही हूँ। आप इस तरह से बनने के बाद आप कोई भी इसमें पैटर्न बना सकते हैं। तो मैं यहाँ एक कपल का मैं बना रही हूँ, या दो कपल है, तो आप मैं किसी को गिफ्ट करने के लिए बना रही हूँ। तो यह मैंने दोनों कपल का फेस के लिए मैंने यहाँ ऐसे राउंड में चिपकाया है एक मोल्डेड क्ले, और उसके ऊपर मैं ड्रॉ करने वाली, उसके पहले मैं जिसो लगा रही हूँ, जिसो अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी कलर आप इसमें करें तो अच्छे से दिखे और अच्छे से उभर के आए कलर। तो इस तरह से मैंने जिसो अप्लाई करके मैंने कुछ घंटों तक मैंने सुखाने के लिए रखा है। उसके बाद आप इस पे फेस ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने इस तरह से फेस को ड्रॉ किया है और उसके बाद मैंने यहाँ हेयर के लिए ब्राउन और ब्लैक का कलर शेड यूज़ किया है। आप इस तरह से आप बना सकते हैं, और जो मैंने ड्रेसेस के लिए भी मैंने कुछ कलर ऐसे यूज़ किए हैं। तो आप इस तरह से कोई भी आप बना सकते हैं कपल, और कोई भी आप इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सेम बनाया वही बनाया है, तो आप कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने येलो कलर से भी मैंने इसको पूरा राउंड में कलर दिया है, और उसके बाद मैंने साइड से थोड़ा सा ऑरेंज से मैं शेड दे रही हूँ ताकि येलो कलर जो है वो ज़्यादा एकदम येलो दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिया है। और यहाँ पे मैं फेस बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं उतना ख़ास नहीं है मेरा ये ड्राइंग, तो लेकिन मैं यह कोशिश कर रही हूँ, ये रैंडम ऐसी मैं पैटर्न बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे फेसेस को ड्रॉ किया है। तो अगर आप अच्छे पेंटर हैं तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने हेयर भी बनाया है और इस तरह चीक्स को मैं रेड से कलर कर रही हूँ। तो ये जितने भी हार्ट्स हैं उसको मैंने पूरा रेड कर दिया है। तो इसके ऊपर आप कोई भी कोड्स लिख सकते हैं, तो मैंने गेट टुगेदर करके मैंने एक कोड बनाया है, ऊपर मैंने लिखा है टुगेदर और नीचे लिखा है मैंने फॉरएवर। तो इस तरह से टुगेदर और फॉरएवर आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो चाहे आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो मेरे दिमाग में आया उसको मैंने लिख दिया है, और इसको भी मैं किसी को गिफ्ट करने वाली इसलिए उनका भी नाम लिख रही हूँ। तो बैक साइड में भी कलर कर दिया है। तो आप इस फाइनल लुक तो आप अभी मैं दिखाने वाली नहीं हूँ, ताकि क्योंकि इसके लिए भी मैं कुछ स्टैंड बना रही हूँ। तो आप स्टैंड के लिए देखिए, ये सेकेंड DIY। तो इस तरह से मैंने ये आइसक्रीम स्टिक लिया है स्टैंड बनाने के लिए, और दोनों साइड में इसको एक दूसरे को चिपकाया है, और ये बीच में से आप इसको दूसरा तीसरा एक स्टिक लेके इसके ऊपर चिपका सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है छोटे छोटे टुकड़े को मैं कट कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से स्टडी होने के लिए मैंने एक ऊपर एक चिपकाया है, और उसके बाद बीच में भी मैं चिपका रही हूँ। इस तरह से ये थोड़ा सा मजबूत बनेगा बीच बीच में अगर आप इस तरह से स्टिक को चिपकाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्टैंड बनाया है, और एक मैंने इसके ऊपर स्टिक को मैं चिपकाया ताकि ये मजबूत रहे, और जो भी आप इसके ऊपर रखने वाले हो थोड़ा गिरे ना। और बैक साइड से इस तरह से मैंने इसको स्टिक को मैंने चिपकाया ताकि वो होल्ड रह सके। आप इस तरह से ये स्टैंड बन गया है। तो इसके ऊपर भी मैं और छोटे छोटे टुकड़े
पर आप करें इसको थोड़ा स्टडी कर रही हूँ। तो देखिए इसका फाइनल लुक। के लिए मैंने यहाँ लिया है इस तरह का कंटेनर जो मेरे पास रखा हुआ था। आप कोई भी कंटेनर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डॉट्स बना रही हूँ इस तरह से डिज़ाइन में। आप कोई भी पैटर्न में आप डॉट्स बना सकते हैं। उसके बाद ये नेल की मदद से मैं यहाँ इसको नेल में इस तरह से होल बना रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा होल नहीं किया है, तो राउंड में बस किया है। आप चाहे तो पूरे कंटेनर में राउंड इस तरह के आप होल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने साइड में भी दो होल कर दिया है और इस तरह का वायर आसानी से मिल जाता है। इस तरह से वायर को मैंने अंदर से मैंने इंसर्ट किया है एक साइड में। उसके बाद उसके अंदर मैंने बीड्स को भी इंसर्ट किया है और इसके बाद बीड्स के अंदर मैंने साइड से उसको ये कर दिया, फोल्ड कर दिया है। और जो सेकेंड साइड से है उसमें भी मैंने बीड्स लगाया है और ऊपर में भी तीन बीड्स लगाए हैं और साइड में दो बीड्स लगाए हैं। इस तरह से मैं बीड्स आपको भी इसमें आपके पास हो तो बीड्स लगा सकते हैं। मेरे पास ये मोल्डेड क्ले का बीड्स मैं बनाई थी, उसी को मैं यहाँ लगा चुकी हूँ। तो ये साइड से मैंने होल बनाया तो उसी में से लेकर इसको फोल्ड की हूँ और फोल्ड करके बीड्स के अंदर ही इसको मैंने प्रेस कर दिया ताकि ये चुभे ना। तो दोनों साइड से इस तरह से मैंने दोनों साइड में मैंने बीड्स के अंदर छिपा दिया उसको। उसके बाद आप इसको जिसो से पूरा कलर कर सकते हैं। तो जिसो अप्लाई किया है मैंने और अगर जिसो नहीं तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं एक्रीलिक का। और इसके बाद मैंने पर्पल और ब्लू को मैंने मिक्स करके इस तरह से टैप्टर स्पंज की मदद से मैंने कलर किया है। उसके बाद ये बीड्स को मैं गोल्डन कलर दे रही हूँ और जो ऊपर में तीन बीड्स है उसको मैं पर्पल से की हूँ और साइड में भी थोड़ा सा गोल्डन कलर से थोड़ा डेकोर कर रही हूँ। आप चाहे कोई भी कलर के आप जो भी आप पसंद करते हैं उस कलर को कर सकते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक। आप इसमें फेरी लाइट्स लगा के इस तरह से डेकोर कर सकते हैं।